बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सोहेल ज़ुबैर टेक सोलो सॉफ्ट चैनल की जानिब से आपको वेलकम करता हूँ। CS 502 फंडामेंटल ऑफ एल्गोरिदम्स, फंडामेंटल्स ऑफ एल्गोरिदम्स, ये है जी एक परफेक्ट सॉल्यूशन। जो लोग मुझे जानते हैं वो समझते हैं कि असाइनमेंट बना के देता हूँ, जो अपलोड करता हूँ एक्यूरेट किस्म की करता हूँ, तो ये एक्यूरेट असाइनमेंट है। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पे क्लिक करें ताकि जैसे मैं वीडियो अपलोड किया करूँ आपको फ़ौरन नोटिफिकेशन मिल जाया करे। तो मैं ये असाइनमेंट आपको समझाऊंगा, सॉल्यूशन तो है ही है ये, साथ आपको समझाऊंगा, आपका थोड़ा कंसेप्ट भी क्लियर करूंगा। आप ख़ुद बनाना चाहें तो बड़ी आसानी से आप बना सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है इसके अंदर। वहीं पे ही है, आपने वर्ड की फाइल अपलोड करनी है जी। इसके अंदर ये हमें क्वेश्चन दिया गया था अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का और हमें करने को कहा गया था। यू आर रिक्वायर्ड टू डिज़ाइन। देखिए मैं आपका टाइम शॉर्ट रखता हूँ, टू दी पॉइंट बात करके बात समझा देता हूँ, वीडियो लेंथी करने की कोशिश नहीं करता ताकि आपका टाइम मिले बचे और आपको टाइमली एक्यूरेट सॉल्यूशन भी मिले। एक लफ्ज़ यहाँ पे याद रखें, ओनली सूडो कोड, सूडो कोड देना था मैंने यहाँ पे, सूडो कोड। अब आगे साबित करूँगा ये मेरा कोड कैसे ठीक है। प्रोसीजर जनरेट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, तो जनरेट का आपने एक फंक्शन क्रिएट किया था, तो सर ने जैसे जैसे कहा हुआ है जनरेट ए पी हैविंग एन nth आइटम, n आइटम्स, तो उसके लिए सूडो कोड क्या है जी, इनिशलाइज दी एम्प्टी। ये मैंने ब्रैकेट बनाई है, आपको पता है ये रे को ज़ाहिर कर रही होती है, इनिशलाइज एन एम्प्टी लिस्ट ऑफ, यहाँ पे मैंने कमेंटिंग कर दी है उसकी। फॉर आई फ्राम 1 to n-1 टर्म a = a+ i मल्टीप्लाइड, कैलकुलेट ईच टर्म ऑफ द ए पी, ap.append term, add the term to the list, return ap। अगला सर ने मैं कहा था प्रोसीजर nth term, तो ये 3 पैरामीटर इसको पास करने पड़ते हैं। पहला है जी term = a + n-1 multiplied by d, कैलकुलेट द nth term ऑफ द ap, return term। तीसरा सर ने मैं कहा था प्रोसीजर sum ऑफ ap, ad 3 इसको वेरिएबल पास किए, sum = n multiplied by 2 multiplied by a + n-1 multiplied by d /2, कैलकुलेट दी सम ऑफ दी एपी, रिटर्न सम। ये होता है सूडो कोड। क्यों मैं कह रहा हूँ ये सूडो कोड है और सही है, ये देखिए नीचे है सर क्या कह रहे हैं, कहते हैं फाइंड दी रनिंग टाइम कम्प्लेक्सिटी ऑफ दी फॉलोइंग पीस ऑफ सूडो कोड। इसका मतलब ये है सूडो कोड सर के हिसाब से। मैं भी ऐसे ही लिखता आया हूँ, ये देखें मैं भी ऐसे ही सूडो कोड लिखता आया हूँ और उसे कमेंटिंग करता आया हूँ, सर भी ऐसे ही कर रहे हैं, ये देखें। समझ रहे ना बात को, इसका मतलब है हमारा ये तरीका, हमारा ये मेथड बिल्कुल एक्यूरेट है। उसको बाद सर ने ये हमें लूप दे रखे थे, इसे जहन नशीन कर लें क्योंकि मैंने इसी की बेस पे ही बात करनी है। आउटर लूप है, मोस्ट आउटर लूप, i = 1 to n टाइम चल रहा है, j = 4 टाइम चल रहा है, k = 10 ग्रेटर दैन 0, k = -2, k - -2 का मतलब है k = k - 2, तो प्रिंट i j k, ये प्रिंट स्टेटमेंट है। 3 लूप है, एक प्रिंट स्टेटमेंट है इसके अंदर। तो इन दी अबव कोड, क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं। दी आउटर मोस्ट विल इंक्रीमेंट आई फ्राम 1 to 5 टाइम, ये कहता है जी 5 बार चलेगा जी। अच्छा, उसके बाद दी मिडल लूप विच इज इनसाइड द आउटर मोस्ट लूप जे फ्राम 1 to 3 फॉर ईच वैल्यू। द इनर मोस्ट लूप विच इज इनसाइड बोथ आउटर मोस्ट एंड मिडल लूप, determine k from 10 to 2 with the step size of -2 for each combination of i and j. This result is set of nested loop where i, j and k are changing their values. बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है 1 to n टाइम। पहली बार चला j = 1 to 4, ये तो कांस्टेंट टाइम है तकरीबन, अगर ये n टाइम चलेगा ये भी n टाइम चलेगा। अच्छा 1 to n, ये कांस्टेंट टाइम आ गया जी। तो इसको मैंने अब नीचे जाके एक्सप्लेन किया हुआ है, देखते हैं। आउटर मोस्ट लूप फॉर i = 1 to n, द आउटर मोस्ट लूप n टाइम्स जो सम टाइम कम्प्लेक्सिटी ऑर्डर n, ये देखें ऑर्डर n निकल आया। मिडल लूप फॉर j = 1 to 4 इनसाइड द आउटर लूप, द मिडल लूप रन्स अ कांस्टेंट टाइम नंबर ऑफ टाइम 4 टाइम्स फॉर ईच आइटरेशन ऑफ द आउटर लूप। हर बार जब एक बार वो चलेगा इसने चार बार चलना है, एक बार ये चलेगा तो इसने चार बार चलना है। फॉर ईच इटरेशन ऑफ आउटर लूप द टाइम कंप्लेक्स इज आउटर वन फॉर ईच इटरेशन ऑफ द आउटर लूप। सिंस द आउटर लूप रन्स एन टाइम द टोटल टाइम कंप्लेक्सिटी ऑफ मिडल लूप इज फोर ऑर्डर फोर मल्टीप्लाई बाय एन इक्वल टू ऑर्डर एन। ये है जी असल सोल्यूशन। ये देखें ना, ये एन टाइम चलता है तो इसका मतलब है ये भी जितनी बार इसने चलना है इसने एन मल्टीप्लाई बाय फोर टाइम चलना है। एन मतलब ये एन टाइम चला तो ये एन टाइम मल्टीप्लाई बाय फोर टाइम चला, तो डोमिनेटेड टर्म कौन सी है? एन। तो सो इसलिए ऑर्डर एन। उसके बाद आ गया जी इनर मोस्ट लूप k इक्वल टू 10 k ग्रेटर दैन 0 k इक्वल टू k माइनस 2 इन साइड बोथ आउटर एंड मिडल लूप द इनर मोस्ट लूप अ वेरी नंबर ऑफ टाइम्स फॉर ईच कम्बिनेशन ऑफ आई एंड जे इट रन फ्राम 10 टू 2 डिक्रीमेंट बाई 2 ईच टाइम। द इनर मोस्ट लूप रन 5 multiply by 4 multiply by 10 by 2 times in total where 5 is the number of iteration of the outer loop। अगर वो चार बार चलता है तो ये पांच बार चलता है तो ये चार बार 20 बार इसने चलना है। 20 is the number of iteration of the middle loop and 10 by 2 is the number of iteration of the innermost loop for each combination of I and j। time complexity is order n। print statement आगे जी आगे। The print statement executed once for each combination of I, j and k। time complexity of 1 for each combination of overall time complexity of the print statement is order n। वो order n में क्यों कह रहा हूँ यहाँ पे भी समझ लें। ये अगर n टाइम चलेगा तो ये भी तो n टाइम ही करेगा ना प्रिंट, तो सब का ऑर्डर n निकला। Now let's combine the complexity order n plus order n plus order n plus order n। The overall time complexity determined by the dominant term which is order n in this case, therefore the overall time complexity is order n। ये है जी एक्चुअल सोल्यूशन और एक्सप्लेनेशन के साथ, समझाने के साथ, एविडेंसेस के साथ। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ज़रूर ज़रूर ज़रूर। वीडियो को लाइक और शेयर करना है आपने। मैंने आपकी असाइनमेंट ठीक करवाई है, करेक्ट करवाई है, एक्चुअल असाइनमेंट आपको बना के दी है। आप पिछला पूरा रिकॉर्ड चेक कर लें, मेरे सॉल्यूशंस के साथ आप मैच कर लें। जो सर सॉल्यूशन भेजते हैं अल्हम्दुलिल्लाह सही असाइनमेंट होती है। तो थोड़ा सा मैं ऑफिस में बिज़ी होने की वजह से आजकल ज़रा सारी असाइनमेंट अपलोड नहीं कर पा रहा, बहरहाल जैसे जैसे टाइम मिलता है मैं साथ फौरी अपलोड करना शुरू कर देता हूँ। एक और बात यहाँ पे बता चलूँ, CS 504 भी चेक कर लें आप। CS 504 मेरी भी चेक कर लें, बाकियों की भी चेक कर लेंगे आप, क्योंकि मेरी नज़रों से गुजरी हुई हैं, आपको आइडिया हो जाएगा। तो दुआओं में याद रखिएगा। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।